वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दशा एंड वी आर द डम डॉट। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ पे, क्योंकि बहुत डिफरेंट है। यस गाइस, तो इसका टाइटल होने वाला है वेलकम टू अ कहवा पार्टी, मोहम्मद रिजवान इज योर होस्ट। सो इट्स अ क्रिकेट वीडियो बट इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। ये कहवा पार्टी होने वाली है एंड ऑल द बॉयज आर गोना बी देयर। मेरे को नसीम शाह दिख रहे हैं इन द थंबनेल। एग्जैक्टली। तो गाइस, अभी देखते हैं कहवा पार्टी में एक्चुअली होता क्या है, मतलब कुछ डिफरेंट होने वाला है या फिर कुछ फन आएगा से करने वाले हैं। जरूर इनकी पर्सनैलिटीज को हम देखने का कोई मौका नहीं छोड़ते वैसे। हाँ, और दिस इज बिफोर द मैच आई गेस। हाँ, मेरे को भी लग रहा है। बट गाइज, अभी देखते हैं फटाफट कि कैसा इनका रहा पूरा और कौन कैसा है एक्चुअली में। इसमें भी पता चलेगा हमें नेचर वाइज। और एग्जैक्टली। सो गाइज, इफ यू न्यू टू आवर चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इनका घर है, होटल है। कहवा होता है ना, टी कहवा कश्मीर का होता है। कहवा से बेसिकली कहवा बनाने वाला हमारा जो मास्टर है वो है शाहिद शाफी। वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं। जो चाय का है तो चाय के लिए हमारे पास इफ्तिखार भाई और साजिद, ये दोनों हैं। कावे वाला थोड़ा बहुत में और शाहिद शाह अक्सर वहाँ पे। और इसीलिए अब कोशिश कर रहे हैं हम कि इसको हम तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए इन्हीं के पास है, और कोशिश करके अगला 1.5 घंटा 2 घंटे और इसके पास हो, क्योंकि इनके माइंड सेट उसी तरह है कि कल का मैच है और इसको ये ना ले कि हम 3 दिन अंदर थे तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए इससे, क्योंकि कल अल्लाह वाला पिच किस तरह है, कप्तान क्या डिसीजन लेता है, तो वापस में अपना कोई इकट्ठा करते हैं। नसीम शाह मेरे बहुत यंग है ना, नसीम शाह। हाँ, बहुत काफ़ी ज़्यादा। और ये लाइक लड़कियों के दिलों में तो बहुत बसे हुए हैं, ये मैंने सुना है। लोग कमेंट्स में उतारते हैं ऑब्वियसली, तब पता चला। स्पेशलिस्ट हमारा शाहिद खान, चाय वाला इफ्तिखार या साजिद, और ड्राई फ्रूट वाला जो है ना ये हमारा वजीर गए, और ये चाय वाला लगे, और ये जो है ना, तो आज ये काम मेरे हवाले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मगर बहरहाल शायद मेरी बीवी देख अलग से है ना इनकी एक्सेंट। हाँ गाइस, इनका नाम बताना है, ये बड़ा मतलब पूरा। अच्छा, मोहम्मद। अच्छा, होस्ट। हाँ, यही है इनका नाम है, मोहम्मद रिजवान। इनकी बड़ा अच्छा सीन था वो हगिंग वाला, याद है तेरे को? हाँ, आफ्टर विनिंग द मैच हम दूसरी टीम को हग किया था। खाना पकाना, सालन पकाना, कपड़े धोना, अभी थोड़ी देर में ये जो है ना थोड़ा सा बार-बार बनने वाला है। किसी के बाल मैंने काट दिए, समझ करो वही काटो यार, कितना क्यूट बोल रहे हैं। नहीं, मुझे खुद इनका एक्सेंट काफी डिफरेंट है जो हम यूजुअल वीडियोस देखते हैं उन लोगों से। क्या है इनकी मतलब पश्तून, आई डोंट नो गाइस, लेट अस नो। बलूच भाई, चाय वाला और कहवा वाला अलग अलग। अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी भी अच्छी है, आज छुट्टी है। कपड़े धोने वाला अलग है, रेडी है इंशाल्लाह। और टेस्ट क्रिकेट को काफी एंजॉय करते हैं, उम्मीद है अच्छी क्रिकेट मिलेगी जो देखने वाले हैं। ठीक है यार, कहवा से वो तैयार हो गए। हां, मेरा उस्ताद है भाई। इसका रहना कि अच्छा बने, मुझे दे दम। अच्छा, रिजान में शहद भी डाल रहे हैं यार, शहद भी डलता है कहवा में। मैंने कभी पी नहीं यार। थोड़ा सा शुक्रिया अदा करते हैं अब्दुल गफ्फार। टी के जैसा टेस्ट होता है गैस इसका, तुमको क्या लगता है? अच्छा होता है, लोग कहते हैं। मैंने भी कभी ट्राई नहीं करी कहवा। ये बिल्कुल खास शहद है, और अभी सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है ग्रीन टी जैसा टेस्ट होगा उसमें, लेमन। भाई ठीक है यार, नसीम शाह भाई ये लोग कितने इनोसेंट है सही में। अभी ओ बाबर अज़म भी थे यार, इनको क्यों नहीं दिखाया? ठीक है यार, बॉयज रेडी है यार। ये बहुत क्यूट वीडियो थी। बाबर अज़म भी मेरे को बड़े वो से लगे, लाइक शाय इंट्रोवर्टेड से। हाँ, मतलब वो बट गाइज इस चीज़ से एक ये चीज़ बड़ी अच्छी पता चली कि जितने भी ये टीम मेंबर्स हैं, जैसे जो भी क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं, ऑब्वियसली बहुत सिंसेरिटी होती है उनमें, क्योंकि वो शुरू से वो चीज़ सीखते हैं। हाँ, और एंड इनमें बड़ा एक वो नहीं था कि मतलब बहुत ऐसे मैच्योरिश वाला पार्ट भी था, मतलब दे वर ऑल वेरी सिंसियर डिसेंट गाइस। एग्जैक्टली नहीं थे कि हाँ कुछ होते गाइस नॉर्मली। हाँ मतलब ये हंसी मजाक की बात भी कर रहे थे ना, तो उसमें एक सिंसेरिटी थी उस चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा झलक रही थी आई गेस। अच्छा रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट। हाँ और भाई इनका एक्सेंट बहुत क्यूट था, मतलब ये कौन सा एक्सेंट है मेरे को जानना है। वो जो वो फेमस नहीं था पीछे देखो पीछे, हाँ वैसे वाला थोड़ा सॉर्ट ऑफ टाइप एक्सेंट, बहुत क्यूट। पीछे देखो पीछे देखो, हाँ वैसा वाला था। बट गाइज आई गेस वीडियो से सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही झलकी कि ये कैजुअली बात कर रहे थे तब भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे एक दूसरे को, विच इज़ अ रियली ग्रेट थिंग। हाँ मेरे को यही लगा पूरी वीडियो में, मतलब हाँ ठीक है यार वे ऑफ कैमरा है, मतलब अभी अपने नेचुरल ही है, हाँ चिल हम लोग बात करते हैं, बट बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बड़े इज्जत से। हाँ वही मतलब एक होता है ना, मतलब बंदे की पर्सनैलिटी तो वो शो करते कि यार ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। मोहम्मद रिजवान भी, मोहम्मद रिजवान तो बड़े ऐसे लग रहे थे यार टीम लीडर, मतलब ऐसे थोड़ा उनका रिस्पेक्टेड परसोना। हाँ नसीम शाह वो थोड़े टीनेज सॉर्ट ऑफ लग रहे थे, मतलब हंस रहे थे एंड ऑल दैट, तो काफी अच्छी यार उनकी टीम मतलब। हाँ बट मोहम्मद रिजवान तो बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं कि वो होता है ना कि सबको साथ लेके चलने वाले, क्योंकि वो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बता रहे थे, वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने किसी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करा थोड़ा, और एक होता है ना किसी को ऑफेंड भी ना हो उस तरह से वो बता रहे थे हंसी मजाक की चीज़ें कि वो कहावा वाला ये है। बट गाइज बहुत ही क्यूट वीडियो थी, मजा आया देख के। यू लेट अस नो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।